वक्त हो चला है हमारी सहयोगी रानी साहू के साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखने का, वो भी सुपर फास्ट अंदाज में। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने अपने यहाँ काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को दिवाली पूर्व बोनस देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अब हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के बैनर तले बीएसपी के 25,000 ठेका मजदूरों ने उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बोनस और वेतन बढ़ोतरी करने को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। रायपुर पुलिस ने 45 चोरी कर चुके शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। माना बस्ती भाटापारा स्थित सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वालों को रायपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। सीपत कॉलेज से लौट रही छात्रा की साइकिल रोककर बाइक सवार युवकों ने बैग छीन लिया। चलती बाइक में युवकों ने बैग से मोबाइल और रुपए निकाल लिए, इसके बाद बैग फेंक कर भाग निकले। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत सीपत थाने में की है। जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल में 60 नियमित नर्सें कार्यरत हैं। मैट्रेन पद के लिए नर्सों के बीच विवाद शुरू हो गया है। नर्सों का दो गुट बन गया है। उन्होंने मैट्रेन पद के लिए नियमों को दरकिनार करते हुए चुनाव कराने का निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौर में राजधानी में पेट्रोल ने कीमतों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 10 अक्टूबर को पेट्रोल 102.2 रुपए पार हो गया है। यह पहली बार है जब रायपुर में पेट्रोल ने 102 रुपए के आंकड़े को छुआ। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि डोंगरगढ़ से मां बम्लेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एसयूवी कार बैरिकेड को तोड़ते हुए 12 फीट नीचे गिर गई। लोकवाणी की 22वीं कड़ी में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नरवा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नरवा योजना के तहत प्रदेश के 30,000 नालों में जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने की शुरुआत की गई है। राज्य शासन ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में विभिन्न जिलों में 1 जून से 10 अक्टूबर तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 1530.1 मिलीमीटर और महासमुंद जिले में सबसे कम 935.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा में लाठीचार्ज से हुए पीड़ितों से मिलने के लिए कवर्धा रवाना हो चुके हैं। कवर्धा रवानगी से पहले डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कवर्धा को शांति का टापू कहा जाता है, ऐसी जगह पर इस तरह की परिस्थिति क्यों निर्मित हुई। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में राष्ट्रीय सेविका समिति के बैनर तले महिलाओं द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी की लंबाई लगभग 151 मीटर थी। महिलाओं द्वारा रैली की शुरुआत नगर के देवीगंज रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से हुई और इसका समापन महामाया मंदिर के प्रांगण में हुआ। दरअसल इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य यह था कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय घड़ी चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। दरअसल कश्मीर में हुए हत्याकांड को लेकर काफी लोगों में नाराजगी है। लगातार पिछले 4-5 दिनों से 7 लोगों की निर्मम हत्या से राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के गंगापुर क्षेत्र में स्थित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान के आसपास की दुकानों पर पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। शराब दुकान के आसपास स्थित चखना दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, चूंकि तीर निशाने पर लगा है, इससे योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं। सीएम योगी के राज में महंत आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पूर्वांचल क्षेत्र में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहाँ शांति है। जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने साल 2022 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अगले साल 7 सामान्य छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इसकी वजह से अलग से अवकाश नहीं दिया जाएगा। इस साल केवल 4 छुट्टियां रविवार को पड़ी थी। 2022 में सरकारी कर्मचारियों को 20 दिन त्योहारी अवकाश मिलेगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए 13 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि में 2 दिन का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वह आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय छत्तीसगढ़ की ओर से मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। वेबसाइट cghealth.nic.in के जरिए 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर की मनीषा शर्मा नजर आई। बीते मंगलवार को शो प्रसारित किया गया। अमिताभ बच्चन ने मनीषा से छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से जुड़ा सवाल किया। मनीषा ने इसका सही जवाब देकर धनराशि जीती। मनीषा ने शो में कुल 3,20,000 रुपए जीते। नो रिस्क वाले 6,40,000 रुपए के सवाल का मनीषा ने गलत जवाब दे दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने 18 साल पुराने मामले में हाल ही में फैसला दिया है। इस प्रकरण में फरियादी को न्याय मिला है, लेकिन अपने साथ हुए न्याय को सुनने व देखने के लिए फरियादी जिंदा नहीं है। उसकी मौत कोर्ट के फैसले आने से 21 महीने पहले हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। यहाँ जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा देना शुरू कर रहा है। लोग रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। कवर्धा में झंडे लगाने के नाम पर हुए विवाद और तनाव की घटना के बाद लगे कर्फ्यू का आज 7वां दिन था। कवर्धा में जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी ताकि लोग अपनी जरूरत के सामान खरीद सके। आज लोग अपने घरों से निकले और बाजारों में खरीदारी करते दिखे। वहीं पुलिस की कार्रवाई जारी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नारी शक्ति की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। गरियाबंद जिले की प्रीति यादव ने दिव्यांगता पर विजय प्राप्त करते हुए कुछ ऐसा किया है जिसकी पूरी छत्तीसगढ़ में जमकर तारीफ हो रही है। 30 साल की दिव्यांग प्रीति यादव ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर अपने जिले और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रीति अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जल्द ही हिस्सा लेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने दिवाली से पहले मेंटेनेंस को लेकर बिजली कटौती का ऐलान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 9 अक्टूबर से कंपनी बिजली कटौती करेगी। अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक दिन में 8 घंटे की कटौती की जाएगी। इधर भिलाई के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 9 अक्टूबर से बिजली विभाग 8-8 घंटे की बिजली कटौती करने वाला है। बिजली विभाग की इस मेंटेनेंस के चलते 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 20 लाख आबादी प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की पदयात्रा लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से पदयात्रा अनवरत जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में बीते दिनों आईटी सेल की बैठक रखी गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आईटी सेल सोशल मीडिया के प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर भी जिम्मेदारियां दी गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। कल प्रदेश के 3 मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता लेकर कवर्धा विवाद का ठिकरा भाजपा पर फोड़ा और इसे भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया। वहीं बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।
राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित निरंकारी भवन में निरंकारी मंडल द्वारा बाबा गुरुवचन महाराज की शहादत की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। निरंकारी मंडल के संयोजक गुरुबख्श सिंह ने बताया कि पिछले 30 से 35 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन होते आ रहा है। रक्त की हर किसी को जरूरत होती है, यह मानवता की भलाई के लिए किया गया काम है। अब तक 12 लाख यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। राजधानी रायपुर के माना स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालगृह से 14 साल के नाबालिग बच्चे के फरार होने का मामला सामने आया है। बालगृह के कर्मचारियों ने उसकी तलाश की, बच्चे के नहीं मिलने पर थाने में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मांढर निवासी नाबालिग को 27 सितंबर को बालगृह लाया गया था। 7 अक्टूबर की रात 2 बजे वह बाथरूम गया और वहां खिड़की तोड़कर फरार हो गया। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों और संबंधित जगहों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। राजधानी के कन्हेरा ओवरब्रिज के पास स्वराज माजदा और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में स्वराज माजदा के हेल्पर सिमगा निवासी दुर्जन सुनवाने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक रवि बंजारे को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक स्वराज माजदा बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी गलत दिशा से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक और हेल्पर ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सरगुजा में भाजपा ने स्थानीय घड़ी चौक पर कवर्धा जिले में हुई कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान भाजपा सरगुजा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के सदस्य धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे। भाजपा का आरोप है कि कवर्धा जिले में बहुसंख्यक समाज पर एक पक्षी कार्रवाई की गई है, जिसकी वो घोर निंदा करते हुए निष्पक्षता पूर्वक जांच की मांग करते हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री मोहम्मद अकबर चुन चुन कर लोगों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। सरगुजा कलेक्टर ने शनिवार को लखनपुर विकास खंड के ग्राम रजपुरी कला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संचालित कक्षाओं में पढ़ाई कर रही बालिकाओं से पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए विद्यालय का मरम्मत कार्य सप्ताह भर के भीतर प्रारंभ कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा में कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारी हितग्राहियों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मई से नवंबर तक दिया जाना है, लेकिन कराई स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक सरपंच पति द्वारा इस राशन की बंदरबांट करते हुए हितग्राहियों को राशन का आवंटन नहीं किया गया और राशन कार्ड में छेड़छाड़ करते हुए अतिरिक्त राशन दर्शा दिया गया। मामला लखनपुर विकास खंड के सुदूर वनांचल ग्राम कराई का है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई दुर्घटना और देश में बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, घरेलू रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में सारंगढ़ युवा कांग्रेस ने उलखर बाजार चौक में युवा कांग्रेस द्वारा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए PM नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का